The perfect pot was proud of its achievement to deliver the full portion. जो perfect pot था जिसमें किसी तरह की कोई कमी नहीं थी, उसे अपने आप पे घमंड होता है, अपनी अचीवमेंट पे कि वह पूरा पानी डिलीवर कर सकता है, पहुंचा सकता है. बट द क्रैक्ड पॉट वॉज अशेम्ड ऑफ इट्स इम्परफेक्शन. अशेम्ड का मतलब है शर्मिंदा होना, और इम्परफेक्शन यानी कमी. तो क्रैक्ड पॉट को अपने आप पे शर्मिंदगी होती है क्योंकि वह इम्परफेक्ट है, वह पूरा कंप्लीट नहीं है, वह अपना काम पूरा नहीं कर पाता है. आफ्टर टू ईयर्स द क्रैक्ड पॉट स्पोक टू द वाटर ब्यूरर वन डे. आई एम अशीम्ड ऑफ माई सेल्फ एंड आई वॉन्ट टू अपोलोजाइज टू यू, सेड द क्रैक्ड पॉट. दो साल के बाद वो क्रैक्ड पॉट एक दिन वाटर ब्यूरर यानी पानी भरकर लाने वाले से कहता है, वो कहता है, आई एम अशेम्ड ऑफ माई सेल्फ, मैं अपने आप में शर्मिंदा हूँ और मैं माफ़ी मांगना चाहता हूँ. अपोलोजाइज मीन्स टू से सॉरी, माफ़ी मांगना, और मैं माफ़ी मांगना चाहता हूँ. वाई आज द वाटर ब्यूरर, वॉट आर यू अशेम्ड ऑफ? तो वाटर ब्यूरर उस क्रैक्ड पॉट से पूछता है कि वाई, क्यों तुम शर्मिंदा क्यों हो, किस कारण हो? द क्रैक्ड पॉट सेड, बिकॉज ऑफ माई फ्लॉज वाटर लीक्स आउट ऑफ मी एंड यू आर एबल टू डिलीवर ओनली वन एंड. हेलो एवरीवन, दिस इज़ क्लास 4 मॉरल साइंस, चैप्टर नंबर 14, द क्रैक्ड पॉट, यानी टूटा हुआ घड़ा. एंड वैल्यू और मॉरल फ्रॉम द चैप्टर इज एक्सेप्ट योर वीकनेसेस, यानी अपनी कमियों को अपनाओ. लेट्स रीड द चैप्टर. वंस अपॉन अ टाइम देयर वॉज अ वाटर ब्यूरर who had two large pots. एक समय की बात है, एक water bearer यानी पानी ढोने वाला व्यक्ति था, उसके पास दो बड़े घड़े थे. Each hung on each end of a pole which he carried across his shoulder. वो उन दोनों घड़ों को एक पोल की सहायता से अपने कंधों के दोनों तरफ, दोनों कंधों के तरफ एक एक पॉट लदाकर या झुलाकर अपना काम करता था, उसी में पानी भरता था. वन ऑफ द पॉट्स हैड अ क्रैक इन इट व्हाइल द अदर पॉट वॉज परफेक्ट एंड ऑलवेज डिलीवर्ड अ फुल पोर्शन ऑफ वाटर एट द एंड ऑफ द लॉन्ग वॉक फ्रॉम द स्ट्रीम टू द मास्टर्स हाउस. उनमें से एक घड़ा दरका हुआ, क्रैक या फिर टूटा हुआ था जिसके कारण, और दूसरा वाला जो है वो एकदम परफेक्ट था जिसमें वह पूरा फुल पोर्शन ऑफ वाटर, जितना पानी इसमें भर सकता था वह पूरा का पूरा डिलीवर करता था. और कहाँ से? स्ट्रीम यानी नदी या झरना, बहते पानी को स्ट्रीम कहते हैं, स्ट्रीम से लेके उसके मास्टर्स हाउस तक. द क्रैक्ड पॉट अराइव्ड ओनली हाफ फुल, लेकिन जो टूटा घड़ा था उसमें सिर्फ आधा पानी ही, आधा घड़ा पानी ही भरा जा सकता था. ऑफ फॉर अ फुल टू ईयर्स दिस वेंट ऑन डेली, ये पूरे दो साल तक हर दिन ऐसा ही चलता रहा. द वाटर ब्यूरर डिलीवर्ड ओनली वन एंड अ हाफ पॉट फुल ऑफ वाटर टू हिज मास्टर्स हाउस. वाटर ब्यूरर हर दिन केवल वन एंड अ हाफ, यानी एक घड़े में पूरा और दूसरे पॉट में हाफ फुल
वाटर ही अपने मास्टर या मालिक के घर तक पहुंचा पाता था। हाफ पॉट्स ऑफ वाटर टू द मास्टर। क्रैक्ड पॉट बताता है कि वो किस लिए शर्मिंदा है। वो कहता है कि वाटर बियरर उस क्रैक्ड पॉट के कारण हर दिन सिर्फ एक और आधा घड़ा पानी ही पहुंचा पाता है, इसलिए वो शर्मिंदा है। द वाटर बियरर फेल्ट सॉरी फॉर द क्रैक्ड पॉट एंड ही सेड, As we return to the master's house, I want you to observe the beautiful flowers along the path. Water bearer को भी बुरा लगता है और वो cracked pot से कहता है, जब हम लोग master's house अपने मालिक के घर से वापस जाते होंगे उस वक्त मैं चाहता हूँ कि तुम रास्ते में जो ब्यूटीफुल फ्लावर्स बहुत ही सुंदर सुंदर फूल लगे हुए हैं उन्हें ध्यान से देखो। ऑब्जर्व करना यानी ध्यान से देखना। एज दे वेंट अप द हिल द ओल्ड क्रैक्ड पॉट ऑब्जर्व्ड द ब्यूटीफुल वाइल्ड फ्लावर्स ऑन हिज साइड ऑफ द पाथ। तो हिल की ओर जाते हुए ओल्ड क्रैक ने बिल्कुल उसी तरह जैसा कि वाटर बियर ने उसे कहा था, उसने ऑब्जर्व किया कि रास्ते में ब्यूटीफुल वाइल्ड फ्लावर्स बहुत सारे सुंदर जंगली फ्लावर्स लगे हुए थे रोड के किनारे। पाथ यानी रोड या रास्ता, तो रास्ते के किनारे में एक लाइन से ढेर सारे ब्यूटीफुल फ्लावर्स लगे हुए थे। The water bearer said to the cracked pot, Did you notice that there were flowers only on your side of the path, but not on the other pot's side? अब water bearer cracked pot से पूछता है, क्या तुमने ये चीज़ नोटिस किया, क्या ये चीज़ तुमने ध्यान दिया कि फ्लावर्स उस रास्ते की केवल एक ही साइड में है, सिर्फ तुम्हारी तरफ है और दूसरे पॉट के साइड कोई फ्लावर्स नहीं है, क्या तुमने ऐसा ध्यान दिया? ही कंटिन्यूड, हैव यू ऑलवेज नोन अबाउट योर फ्लॉज बट आई टुक एडवांटेज ऑफ यू। और फिर वाटर बियरर कहता है कि तुमने तो सिर्फ अपने फ्लॉज यानी अपनी गलतियों के बारे में पता था, लेकिन मैंने तुम्हारी गलतियों का एडवांटेज लिया यानी तुम्हारी गलतियों का लाभ उठाया। आई प्लांटेड फ्लावर सीड्स ऑन योर साइड ऑफ द पाथ एंड एवरी डे व्हाइल वी वॉक बैक फ्रॉम द स्ट्रीम यू हैव वाटर्ड देम। तो वाटर बियरर क्रैक्ड पॉट को बताता है कि क्रैक्ड पॉट क्योंकि वो लीक करता था, उसमें से रोज पानी चूता था, इसलिए क्रैक्ड पॉट की तरफ रास्ते के एक तरफ इस वाटर बियरर ने ढेर सारे फ्लावर के सीड्स बहुत सारे बीज लगा दिए और जिसे हर दिन जाते वक्त क्रैक्ड पॉट से गिरता हुआ पानी उसे पानी पटा देता था और इसलिए वो जो छोटे छोटे सीड्स उसने लगाए थे उसमें से ब्यूटीफुल फ्लावर्स जन्म ले लिए। For 2 years, the water bearer took these beautiful flowers to decorate his master's table. पूरे 2 साल तक water bearer ने वो जो flowers लगाए थे रास्ते के साइड में, वो उन flowers को तोड़ कर अपने master के घर पे उनके table पे सजाता था, उसे decorate करता था। decorate यानी सजाना। Hearing the water bearer, the cracked pot was delighted and never again did he complain about his flaws. Water bearer ki baat sunkar cracked pot delighted yani khush ho gaya aur uske baad usne kabhi bhi water bearer se apni galtiyon ya apni kamiyon ke bare mein koi complaint nahi kiya. So this is the end of the chapter. और इस चैप्टर से हमें सीखने को मिलता है
कि हम सभी के अंदर कुछ अच्छाइयाँ और बुराइयाँ होती हैं। हम अपनी बुराइयों को देखकर सिर्फ शर्मिंदा होते हैं, बट अगर हम उनका एडवांटेज लें तो हम अपनी कमियों को भी अपनी पावर बनाकर आगे बढ़ सकते हैं। सो एक्सेप्ट योर फ्लॉज, इसीलिए हमें अपनी कमियों को भी खुशी खुशी अपनाना चाहिए और उन्हें अपनी स्ट्रेंथ यानी अपनी काबिलियत बनाने की कोशिश करनी चाहिए। थैंक यू।